लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। पाकिस्तान चुनाव। इमरान खान की पार्टी ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, भारत पर बनाई ये योजना खास बातें। तहरीक इंसाफ पहली बार पाकिस्तान में सत्ता पा सकती है। पीएम पद के लिए इमरान खान लोगों की पहली पसंद हैं। सर्वे इमरान खान के समर्थकों की बड़ी फौज युवाओं की है। नई दिल्ली, पाकिस्तान में बुधवार को आम चुनाव होने हैं। पाकिस्तानी चैनल डॉन न्यूज के सर्वे के मुताबिक इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ पहली बार पाकिस्तान में सत्ता पा सकती है। सर्वे के मुताबिक पीएम पद के लिए इमरान खान लोगों की पहली पसंद हैं। खास बात है कि इमरान खान के समर्थकों की बड़ी फौज युवाओं की है, जो बदलाव की ताक में हैं। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने सोमवार को रोड टू नया पाकिस्तान नाम से चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें भारत के साथ बेहतर रिश्ते का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में भारत के साथ शांति सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाने की बात कही गई है। साथ ही कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत सुलझाने की भी बात कही गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में कुल 342 सीटों के लिए मतदान होगा। इसमें से 272 सीटों पर सीधे चुनाव होंगे, जबकि 70 सीटें आरक्षित हैं। आइए आपको पाकिस्तान इलेक्शन 2018 से जुड़ी खास बातें बताते हैं। पाकिस्तान चुनाव 2018:342 सीटों के लिए 12,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में, 25 को होगा चुनाव, 12,570 से अधिक उम्मीदवार मैदान में। आम चुनाव में पाकिस्तान के कई कट्टर मौलवियों सहित 12,570 से अधिक उम्मीदवार संसद और 4 प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनावी मैदान में हैं। नेशनल असेंबली के लिए 3,675 और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए 8,895 उम्मीदवार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने कहा है कि नियमों के मुताबिक प्रचार अभियान मध्य रात्रि तक खत्म हो जाना चाहिए, ताकि मतदाताओं को सोच विचार का समय मिले और वे 25 जुलाई को होने वाले मतदान में हिस्सा लेने की तैयारी कर सकें। PMIL-IN और PTI के बीच मुख्य लड़ाई। इस बार पाकिस्तान के चुनाव में मुख्य लड़ाई नवाज शरीफ की अगुवाई वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, PMLN और क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बीच है। वहीं बिलावल भुट्टो जरदारी की अगुवाई वाली द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP भी रेस में है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में कुल 110 राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें से 30 सक्रिय हैं और अधिकतर चुनाव में अपना भाग्य आजमा रही हैं। पाकिस्तान में उसी की खुफिया एजेंसी IC के खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे, जाने पूरा मामला, 10.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता लेंगे हिस्सा। आम चुनावों में 10,59,55,407 मतदाता हिस्सा लेंगे। मतदान के लिए 85,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 2013 के चुनावों में 55% वोट पड़े थे। आपको बता दें, पाकिस्तान में अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सहित कई कद्दावर नेताओं के खिलाफ अदालती मामलों के कारण देश में अनिश्चितता का माहौल है। इस बार चुनावों में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है और तमाम पार्टियां इसको जोर शोर से उठा रही हैं। पाकिस्तान चुनावों में इमरान खान की पार्टी को आतंकी संगठन ने दिया समर्थन। अब तक 180 लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान के आम चुनाव में आतंकियों का भी साया है। इस बार आतंकियों के आत्मघाती हमलों से चुनाव अभियान काफी प्रभावित हुआ है। पिछले 2 सप्ताह में हुए हमलों में 3 उम्मीदवारों सहित 180 लोगों की जान जा चुकी है।